खेसारी लाल यादव यूट्यूब ट्रेंडिंग के म्यूजिक ट्रेंडिंग में सेकंड पायदान पे थे और पवन सिंह 10th। आज आलम ये है कि पवन सिंह ने यो यो हनी सिंह, बादशाह और गुरु रंधावा को पीछे छोड़ते हुए पहले पायदान पर कब्जा जमा लिया है, और वो भी महज अपने सिर्फ और सिर्फ एक गाने के बदौलत। गाना तो आप सभी जानते हैं, परिया हिला रही है और गुलाल उड़ा रही है। जी हाँ, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि आज पवन सिंह यूट्यूब के म्यूजिक ट्रेंडिंग में 1 है। जी हाँ, और उन्होंने अपने पीछे छोड़ा है खेसारी लाल यादव, गुरु रंधावा, बादशाह और यो यो हनी सिंह को। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मुकाम है पवन सिंह के लिए। पिछले काफ़ी महीनों से पवन सिंह के लिए यही बात आ रही थी कि पवन सिंह का कैरियर अब ख़त्म है भोजपुरी इंडस्ट्री में, अब पवन सिंह नहीं चलने वाले हैं। लेकिन पवन सिंह ने जिस तरह से अपना कमबैक किया है, उसे देखकर यही लग रहा है कि भाई पवन सिंह जैसा कोई नहीं। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह अभी हाल ही में यानी कल ही लाइव आए और उन्होंने कहा कि वो लगातार कई ऐसी मीटिंग कर रहे हैं जहां पर भोजपुरी का नाम वो और भी ऊंचा कर सके, क्योंकि वो और भी बहुत अच्छे अच्छे काम लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि पवन सिंह ने कई ऐसे गाने लेकर आ रहे हैं जहां वल्गैरिटी नाम का कोई शब्द ही नहीं है। जी हाँ, वल्गैरिटी से कोसों दूर है पवन सिंह, और पवन सिंह ने इस बात को कंफर्म किया है कि अब उनके गानों में वल्गैरिटी कहीं भी किसी को किसी रूप में नहीं दिखेगी, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि अब भोजपुरी को वो मुकाम मिलेगा जिस मुकाम की वो हकदार है। भाई पवन सिंह जो इस वक्त कर रहे हैं उसके लिए तो उन्हें हेड्स ऑफ है, क्योंकि आज जो भोजपुरी की स्थिति है उसे देखकर ये लग रहा है कि उसके लिए अगर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो आगे चलकर इसका खामियाजा भरना पड़ सकता है भोजपुरी तबके के लोगों को। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।